नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज, मैं हूं शैला। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटी ज्ञानवापी मस्जिद एक बार फिर चर्चा में है। ताजा विवाद, मस्जिद परिसर के अंदर मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा अर्चना की मांग को लेकर है। कोर्ट ने पूजा की मांग वाली याचिका के बाद मस्जिद में आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आदेश दिया है। इसी बीच काशी विश्वनाथ मंदिर पर अपने विवादित बयान से चर्चा में आए लखनऊ विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत, जो एक दलित चिंतक भी है, उनके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। अब उन्होंने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ छात्र नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए तहरीर दी है। उसमें जाति सूचक टिप्पणी करने, अपशब्दों का प्रयोग और जान से मारने की धमकी देने के आरोप है। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। दरअसल बीते मंगलवार को एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। इसके विरोध में सुबह से शाम तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते रहे। देर शाम को छात्र नेता अमन दुबे की तहरीर पर हसनगंज पुलिस ने डॉक्टर रविकांत के खिलाफ FIR दर्ज करा ली। इसके बाद देर रात डॉक्टर रविकांत ने भी विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता सहित कई छात्रों के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी, जिसमें उन्होंने कहा है कि ABVP के छात्रों एवं अन्य अराजक तत्वों ने उनके साथ उनके दिए गए बयान को तोड़ मरोड़ कर ट्विटर एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित कर उनके ही विरुद्ध नफरत का प्रचार किया। देखिए, परसों शाम को मैं आशुतोष जी के साथ सत्यंदी पर डिबेट में था और काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो विवाद चल रहा था उसी पर बातचीत थी, और उसी के क्रम में वहां पर कैसे मंदिर टूटा है और मस्जिद कैसे बनाई गई है, इसी के संदर्भ में जो पटावी सीताराम भैया ने अपनी किताब फेदर्स एंड स्टोन्स में जिस कहानी को लिखा है उसी का मैंने जिक्र उस डिबेट में किया था कि मस्जिद यहाँ कैसे बनी। इसी मेरे वक्तव्य को उस किताब और लेखक के रेफरेंस को काट करके उस पर चरित किया गया मेरे खिलाफ कि मैं हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़का रहा हूँ, जबकि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं तो केवल उस घटना का जिक्र कर रहा था जो कहानी के रूप में है, वो तथ्यात्मक रूप में भी नहीं है, मैंने इसको भी कहा। आरोप है कि छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय परिसर में जान से मारने का प्रयास किया। प्रोफेसर के खिलाफ अपशब्द का भी प्रयोग किया गया, जातिगत टिप्पणी भी की गई, जिसमें उन्होंने ये भी कहा है कि ABVP के छात्रों एवं अन्य अराजक तत्वों ने मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित कर मेरे विरुद्ध नफरत का प्रचार किया। यह मामला शुरू हुआ बीते शनिवार को, जहां एक चैनल पर डिबेट में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत भी शामिल हुए थे। आरोप है कि उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर विवादित बयान दिया। मंगलवार को इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए विरोध शुरू हो गया। शिक्षकों ने भी उनकी कड़े शब्दों में निंदा की है। ABVP के सदस्यों को उनकी टिप्पणी के उस हिस्से पर आपत्ति थी जिसमें उन्होंने पट्टाभी सीतारमैया की एक किताब फेदर्स एंड स्टोन की एक कहानी का जिक्र किया था। मामले को बढ़ता देख एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रविकांत ने खुद अब इसका खुलासा करते हुए वीडियो के जरिए स्पष्टीकरण दिया है और डॉक्टर रविकांत को प्रोफेसरों पत्रकारों का समर्थन भी मिला है। डॉक्टर रविकांत के समर्थन में कम से कम 60 बुद्धिजीवी लोगों ने खत लिखा है। बावजूद इसके आज ABVP के छात्रों ने और साथ ही साथ बाहर के तत्वों ने जो यहाँ के स्टूडेंट्स नहीं थे उन्होंने आकर के माहौल को खराब किया, उन्होंने आपत्तिजनक नारे लगाए, गोली मारो सालों को इस तरह के नारे लग रहे थे। बावजूद इसके जो पुलिस प्रशासन था और ट्यूटोरियल बोर्ड था उसके सहयोग से हम लोगों ने बात भी की विद्यार्थियों के साथ। मैंने ये भी कहा कि आप पूरा वीडियो देखिए, आपकी गलतियां भी दूर हो जाएगी, दूसरा अगर कोई आपकी भावना को ठेस पहुंची है तो मैं फिर व्यक्त कर दूँ। बात यहाँ से खत्म हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बारे में, चूंकि मैं अंदर फंसा हुआ था और बाहर इस तरह के नारेबाजी हो गई थी, मैंने इसका जिक्र फेसबुक पर किया था कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, उसको लेकर के अब धरना प्रदर्शन चल रहा है। यही आज का पूरा
मैं दलित समुदाय से आता हूँ और बाबा साहब अम्बेडकर और संविधान के मैं प्रदत्त जो मूल्य हैं, जो विचार हैं, उनका पालन करता हूँ। और मुझे लगता है कि इसीलिए दलित होने के नाते मेरी आवाज को दबाया जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपनों का भारत है उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टर रविकांत ने भी कहा कि वह इसे कहानी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि पट्टा भी सीतार मैया ने अपनी किताब में उनके लिए कोई स्रोत नहीं बताया है। डॉक्टर रविकांत ने भी एक वीडियो बयान जारी कर कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चल रहे डिबेट में पट्टा भी सीतार मैया ने जो किताब फेदर्स एंड स्टोन में जिस कहानी को लिखा है उसी का जिक्र मैंने उस डिबेट में किया था। अब मेरे वक्तव्य को किताब और लेखक के रेफरेंस को काटकर दुष्प्रचारित किया गया, मेरे खिलाफ हिंदू धर्म की भावनाओं को भड़काने का आरोप भी लगाया जा रहा है। वे कहते हैं कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने तो सिर्फ उस घटना का जिक्र भर कर रहा था जो कहानी के रूप में है। बावजूद इसके आज एबीवीपी के छात्रों ने साथ ही साथ बाहर के छात्रों ने यहाँ का माहौल खराब किया, आपत्तिजनक नारे भी लगाए। मैं शर्म से रविकांत चंदर नहीं, सर नहीं कह रहा हूँ, रविकांत चंदन कह रहा हूँ। वो व्यक्ति उसने विश्वविद्यालय का माहौल खराब करने के लिए, विश्वविद्यालय में सांप्रदायिक माहौल पैदा करने के लिए किसी टीवी डिबेट में बयान दिया है कि सवर्ण जो है वो सांप्रदायिक हो गए हैं, और उसने किसी को कोट करके वो कह रहा है कि लखनऊ क्या नाम है, इस देश के साधु संत जो है बलात्कारी हो गए हैं, वो उनकी प्रवृत्ति खराब हो गई है। इस तरीके की बयानबाजी से वो विश्वविद्यालय की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है, छात्रों के अंदर बेदरेशन फैला रहा है, और उसके खिलाफ हम लोग यहां बैठे हुए हैं। अब प्रोफेसर और दलित चिंतक डॉक्टर रविकांत के समर्थन में आए प्रोफेसरों और लेखकों साथ ही पत्रकारों ने एबीवीपी से जुड़े लोगों द्वारा कथित धमकी दिए जाने की निंदा की है। ऐसे में कम से कम 60 प्रोफेसरों, लेखकों और पत्रकारों ने एक खुला खत लिखकर कहा है कि वे रविकांत को सार्वजनिक रूप से जान से मारने की दी जा रही धमकी और गालियों की निंदा करते हैं। प्रोफेसरों और पत्रकारों ने भी अपने बयान में कहा है कि डॉक्टर रविकांत के खून के प्यासे एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने हिंदी विभाग को घेर लिया, जबकि डॉक्टर रविकांत को विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर के कार्यालय में शरण लेनी पड़ी। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि हम मांग करते हैं कि दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। बहस और असहमति का माहौल जो एक शिक्षण संस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण और एक लोकतांत्रिक समाज के लिए जरूरी है तुरंत बहाल किया जाए और डॉक्टर रविकांत और उनके परिवार को सभी आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जाए। उन्होंने आगे कहा कि हम एबीवीपी के इस आक्रामक प्रदर्शन को असहिष्णुता और बहुसंख्यक सांप्रदायिकता और हिंसा के एक और उदाहरण के रूप में देखते हैं जो पूरे देश में विशेष रूप से भाजपा शासित राज्यों में तेजी से आदर्श बनता जा रहा है। बता दें कि मंदिर मस्जिद का ये विवाद बरसों पुराना है और इसे लेकर 213 साल पहले दंगे भी हुए थे। कईयों का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाकर बनवाया था। हालांकि आजादी के बाद इस मुद्दे को लेकर कोई दंगा नहीं हुआ, लेकिन वर्तमान में आए दिन किसी न किसी मुद्दे को लेकर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इन कोशिशों को नाकाम होता हुआ देखा जा सकता है, जिसकी शुरुआत हमें खुद करनी पड़ेगी।